हम विशेषगंज में रहते हैं। क्या समस्याएं थी, किसके लिए आप लोगों ने पर्वत दल को कंप्लेन किया था? समस्या ये थी कि इन्होंने ज़बरदस्ती अपने घर से सीढ़ी निकाला है, बिना मानचित्र स्वीकृत करवाए जी, इसीलिए। और घर, हमारे घर के सामने सीढ़ी है, ये हमें दिक्कत है, हमें गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग इसको हटवाना चाहते हैं। तो आपने जो कंप्लेन किया उस पर अधिकारी वगैरह क्या कार्रवाई की? अधिकारी आए और उनसे कहे तोड़ने के लिए, तो उन्होंने मांगा है समय, एक दिन का समय, अगर एक दिन के अंदर हमारे पड़ोसी नहीं तोड़ते हैं तो फिर नगर निगम आके कार्रवाई करेगा। मैं संजय श्रीवास्तव, मैं नगर निगम में अतिक्रमण इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किसके सूचना पर, किसके शिकायत पर? देखिए, यहाँ पे पूर्व में जो एक चेतन शर्मा करके गए हैं, उन्होंने कंप्लेन किया था अपने पड़ोसी के खिलाफ, गोपाल जी इनका नाम है। और इस समय वर्तमान में स्मार्ट योजना से ये गली का जो है कि सुंदरीकरण हो रहा है, तो रास्ते में जो अवरोध है, जो भी अतिक्रमण टाइप का, उसके खिलाफ इन्होंने दिया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है कि प्रवर्तन टीम के हमारे प्रभारी महोदय कर्नल राघवेंद्र मौर्या महोदय, पूरी टीम के साथ हम लोग आए थे मौके पे। मौके पे जो शिकायत पाया गया था, उसमें देखा गया कि सीढ़ी थोड़ा सा दो डंडा आगे इनका बना हुआ है, जिसको कि सहमति से स्वतः हटा लेने के लिए समय मांगे हैं कल तक का, जिसके लिए लिख करके ये दे भी रहे हैं कि हम इसको कल तक हटा लेंगे, अभी लेबर नहीं है, तोड़ने में नुकसान हो जाएगा। तो उनके उसी लिखित आश्वासन पर आज इनको मौका दिया जा रहा है कि कल तक का अगर ये नहीं हटाएंगे तो पुनः आकर के इसको नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। बात कही सीढ़ी के साथ साथ इनके मकान में ऊपर से भी 1.5 से 2 फीट उनके मकान में घुस। देखिए, ऊपर आप देख रहे होंगे, तो अभी आप देख लीजिए मकान के ऊपर जो सनसेट होता है, जैसे इधर आप देखेंगे, इधर देखेंगे पुराना जो गिरा हुआ है, तो वो सनसेट में प्रोजेक्शन जो निकला हुआ है, वो खिड़की छज्जे के ऊपर निकला हुआ है, वो कोई बालकनी नहीं है, कोई इन्होंने अपने उसको यूज़ में नहीं लेते हैं, सिर्फ वो पानी से बहाव के लिए, और वो ज़मीन से करीब 10-12 फीट के ऊपर है, तो वो इंक्रोचमेंट में नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ छज्जा है। अगर वो आगे बढ़ के बनाए होते, उसको अपने मकान में कवर किए होते हमारे भूभाग को।